हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शिफास किचन। आज मैं आपके साथ मशरूम की बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, और इसके साथ एक चटपटा मसाला भी बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिस्पी मशरूम बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया है और मैंने इसको धो के क्लीन करके रख लिया है। तो चलिए अब इन्हें काट लेते हैं। एक मशरूम के आप इस तरह 4 पीसेस भी कर सकते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, या फिर आप इस तरह स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 1/2 कप, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी को ऐड करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मैंने बैटर तैयार करने के लिए 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम मशरूम के पीसेस को इस बैटर में अच्छे से डिप कर लेंगे। उसके बाद गरम तेल में फ्राई करने के लिए डालना है। इसको ज़्यादा देर बैटर में ना रखें। ऑयल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसके एक एक पीसेस उठाकर बहुत ही सावधानी से इसको ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। कई लोग सोचते हैं ये नॉनवेज जैसा होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप मशरूम के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा मशरूम बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको मुगलई मशरूम के वीडियो में बताया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद इस तरह हम पलटते हुए इसको दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। आप इस तरह से क्रिस्पी मशरूम फ्राई बना के बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। हमारे मशरूम फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के किचन टॉवल पे रख लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए और आपको ये मशरूम खाने में बिल्कुल ऑयल नहीं लगेंगे। और इसी तरह हम बचे हुए मशरूम को भी फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारा चटपटा सीक्रेट मसाला। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये हो गया हमारा चटपटा मसाला तैयार। अब आप इस मसाले को मशरूम के ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये मसाला चिकन कबाब के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे।